हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। रघुराम राजन की अगर हम बात करें, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इशू को पॉइंट आउट किया है। कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही डेंजरसली यहाँ पे क्लोज है टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इसको समझेंगे, और क्या वाकई में इंडिया की इकोनॉमी जो है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे GDP जो डेटा है उसका जो हमारे पास रिसेंट एनालिसिस है वो भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में इन्होंने जो कंसर्न जताए हैं वो सच हैं या कितने करीब हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। चलिए पूरा इशू डिस्कस करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको सेशन PDF मिलेगा। अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस के लिए या मेरे अपकमिंग कोर्सेज के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अन अकेडमी की तरफ से अभी काफ़ी ऑफर चल रहे हैं। आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जैसे आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा, फ्री आप पढ़ सकते हैं, तो इनका लाभ उठा सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अन अकेडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन, जहाँ पे आप पूरी प्रिपरेशन, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, नोट्स एंड आउट सॉल्विंग है, सारी चीज़ें एक ही जगह प्राप्त हो जाती हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू एजुकेटर्स एंड देयर लेक्चर्स द प्लेटफॉर्म। देखिए, जो टर्म है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जब रिफॉर्म हुए 1991 के, जो LPG रिफॉर्म थे, जिनको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इस रिफॉर्म से पहले इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी कम थी। तो जो स्लो ग्रोथ रेट थी इंडिया की इकोनॉमी की, या GDP की जो ग्रोथ रेट काफ़ी कम थी, लगभग 3.5-4% हम मान लें, तो उसके लिए एक वर्ड, एक टर्म कॉइन की गई राज कृष्णा के द्वारा 1978 में, जो कि उन्होंने इंडिया के ही इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये जो स्लो ग्रोथ रेट है उसके लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो तब से ये हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ये वर्ड यूज़ हो रहा है। इसका हिंदू पॉपुलेशन और उससे अंदाजा मत लगाइएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि जो इंडिया की GDP की ग्रोथ रेट है वो कम है, 3.5-4% इसके आसपास है, तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। और अगर आप देखेंगे उस समय पे 1991 से पहले की जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको करेक्टराइज किया जाता है डिरिजिज्म से। डिरिजिज्म मतलब होता है कि सरकार का जो इंटरफेरेंस है या कंट्रोल है इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, इकोनॉमिक अफेयर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। एक होता है कि लेजिटिमेट जो भी इंटरवेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन इंडिया का हम देखते हैं 91 से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, चाहे वो लाइसेंस के माध्यम से हो, लाइसेंस राज वाज देयर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोली ही नहीं गई थी, तो इससे भी इसको करेक्टराइज करते हैं। तो ये तो हुई टर्म की बात। दूसरा, अगर हम देखें ये कहीं ना कहीं ये जो टर्म है बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। अगर हम साउथ कोरिया के एक्सपीरियंस से इसको कंपैरिजन करें, साउथ कोरियन मिरेकल ऑन द हैन रिवर, या ताइवान के अंदर जो मिरेकल की बात हो रही है, तो ये मिरेकल इन द सेंस कि वहाँ की इकोनॉमी ने जितनी तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ की है बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम देखते हैं इस ग्राफ के माध्यम से, तो यहाँ पे जो ऑरेंज आपको बार दिख रहा है वो है इंडिया की इकोनॉमी की स्थिति। इसको यहाँ बता रखा है, ये जो आपको दिख रही है ये बेसिकली GDP है पर कैपिटा, एज ए परसेंटेज ऑफ अमेरिकन GDP पर कैपिटा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया की जो GDP है ये ऑरेंज है, और ये येलो कलर में आपको दिख रहा है साउथ कोरिया। तो इंडिया और साउथ कोरिया लगभग बराबर स्तर पे हैं 1950 तक। धीरे धीरे आप देखोगे ये येलो वाला बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बहुत तेज़ी से येलो वाला ऊपर जा रहा है, और मिरेकुलस ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो साउथ कोरिया इतनी तेज़ी से बढ़ा है वो हमें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया की इकोनॉमी है उसकी, देखिए, ग्रोथ रेट बिल्कुल स्टेगनेंट की तरह ही है, ये पर कैपिटा दिखा रहा है हालांकि, बट ओवरऑल अगर हम GDP की ग्रोथ रेट की बात भी करें, दिस वाज समवेयर अराउंड 3.5-4%। अब आगे हम आते हैं रघुराम राजन क्या कह रहे हैं। रघुराम राजन कह रहे हैं कि इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब ये 3.5-4% की जो ग्रोथ रेट है जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, इतनी स्लो ग्रोथ रेट इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए दिस इज नॉट गुड। तो कह रहे हैं कि इंडिया धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रहा है। क्यों कह रहे हैं, 3 पॉइंट उन्होंने कहा। एक तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, ये नुकसान करेगा। दूसरा है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रही है, वो भी नुकसान करेंगी। तो देखो, RBI इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि महंगाई कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, लोगों के लिए लोन लेना महंगा होगा, बिजनेस के लिए लोन लेना महंगा होगा, और इसलिए आप देखोगे इन्वेस्टमेंट कम होगा। तीसरा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो है रिसेशनरी प्रेशर बने हुए हैं, मंदी का प्रेशर बना हुआ है, वो भी इंडिया की इकोनॉमी को निगेटिवली प्रभावित करेगा। तो 3 ऐसे फैक्टर मेजर इन्होंने बताया, इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, आगे कंसर्न के इशू हैं। और अभी जैसा ये कह रहे हैं कि डेटा देख के भी हमें ऐसा ही लग रहा है। अब डेटा देख के क्या लग रहा है, डेटा ये जो लेटेस्ट दिख रहा है ये है Q3 का डेटा GDP का। देखिए, जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसको 4 क्वार्टर में, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में हम डिवाइड करते हैं।
ये जो अभी 3 क्वार्टर का इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा आया है, उसमें जो लेटेस्ट डेटा है क्वार्टर 3 का, मतलब अक्टूबर से दिसंबर का, उसमें इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है 4.4%। तो कह रहे हैं ये बहुत कम हो गई है। आप देखो इससे पहले वाले क्वार्टर में 6% था, फिर 13% था। अगर हम पिछले साल से इसको कंपैरिजन करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 3, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2000 जो 21 वाला समय है, उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप देखोगे उस समय पे भी 5.2 था और अभी 4.4 पे आ गया है। तो इनका कहना यहाँ पे इसी तरह से है कि ये जो ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो स्लो, बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट है, उस तरफ बढ़ जाएं, जो कि अच्छा नहीं होगा। अब इसको दूसरे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये ट्विटर हैंडल है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का, जो कि इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ये भी माने जाते हैं। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ये पोस्ट किया है जिसमें ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक पिक्चर देखने की ज़रूरत है। इन्होंने डेटा दिया है इस फाइनेंशियल ईयर का जो अभी मार्च में खत्म होगा। ये कह रहे हैं कि बेस एडजस्टमेंट से जो डेटा आ रहा है वो 7% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है, बेस एडजस्टमेंट के बिना डेटा आ रहा है वो 8% की GDP ग्रोथ रेट या इकोनॉमी की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। ये बेस एडजस्टमेंट क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए GDP का जो डेटा आता है बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, बहुत सारे कंपाइलेशन, बहुत सैंपल्स और ये होते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम देखें, एक तो डेटा काफ़ी बड़े गैप से आता है। जैसे क्वार्टर 3 जो है ये था अक्टूबर से लेके दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का समय था। उस 3 महीने का डेटा आता है लगभग 40-45 दिन के गैप से। तो अभी फेब के लास्ट के अंदर ये डेटा हमारे पास आया। अब ये क्या होता है, पहले तो जैसे अभी ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ नहीं है, 31 मार्च को पूरा होगा, तो सरकार क्या करती है, यहाँ पे एडवांस एस्टिमेट्स देती है कि कितनी हो सकती है, अंदाज़ा लगाते हैं। फिर ये जब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को इस तरीके से पूरा हो जाएगा, तो मई लास्ट के अंदर आते आते हमारे पास प्रोविजनल एस्टिमेट आएंगे कि अच्छा इतनी हमारी ग्रोथ रेट होनी चाहिए। फिर क्या होता है, धीरे धीरे सरकार के पास काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे सैंपल्स आते रहते हैं जो कि डेटा को एनरिच करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि यहाँ पे रिवाइज्ड एस्टीमेट लाए जाते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल हमारा GDP का डेटा 100 आ रहा था, अब उसमें काफ़ी सारा डेटा जुड़ता जा रहा है आ रहा है, तो ये बढ़ जाएगा। जैसे ये 100 था, ये 120 हो गया। क्लियर? तो ये हो गया कि हमने इसको इस तरह से बेस को एडजस्ट किया है। तो अब कहने का मतलब है, ये यहाँ पे ये जो ट्वीट है इसके माध्यम से ये दर्शाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि बेस हम 100 रखते हैं और हमें ये 140 का कैलकुलेशन, ये 140 है, इसका कंपैरिजन करना है, तो मैं कहूँगा कि आपको 100 के कंपैरिजन में 140 ये जो है ये कितनी परसेंट की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। तो आप कहोगे सर 40% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 को बेस लिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेस जो है एडजस्ट किया गया है, मतलब बेस ये रिवाइज्ड डेटा के आधार पे है, तो ये बेस बढ़ जाएगा। लेट अस अज्यूम कि ये 120 हो गया, ये बेस बढ़ गया। अब अगर हम इस बढ़े हुए बेस से, बेस एडजस्टमेंट के बाद अगर कंपैरिजन कर रहे हैं 140 के साथ, तो ये जो ग्रोथ रेट है ये 16% के आसपास दिखाएगा। ठीक है, तो बेस बढ़ने से, बेस एडजस्टमेंट से क्या हुआ, ग्रोथ कम हो गई। तो ये कह रहे हैं कि हम बेस एडजस्टमेंट से ग्रोथ कम दिखाएगा, फाइन। लेकिन आप कहोगे सर इससे फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि आपने बेस को तो एडजस्टमेंट कर दिया, बट ये जो रियल डेटा है 140, ये भी तो रिवाइज्ड होके आगे बढ़ेगा। मान लो ये 140 है, ये रिवाइज होके 170 हो जाता है, 180 हो जाता है, तब बराबर का मुकाबला होगा, क्योंकि एक को तो आपने रिवाइज कर दिया, दूसरे का रिविजन का वेट नहीं करा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जब बेस एडजस्टमेंट से हमें ग्रोथ मिल रही है, ये 7% की है, और अगर बिना बेस एडजस्टमेंट के हम ग्रोथ देखते हैं तो ये 8% की है। तो अभी हमें बिना बेस एडजस्टमेंट के ही ग्रोथ को देखना चाहिए, क्योंकि बेस एडजस्टमेंट करके ग्रोथ देखना ऐसा ही है जैसे आप सेब को ऑरेंजेस के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक असेसमेंट के लिए हमें बिना बेस एडजस्टमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना चाहिए। उसके अंदर अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे तो 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और ये बहुत अच्छी है। ग्लोबल लेवल पे 2% का एवरेज चल रहा है, और इंडिया की ग्रोथ रेट 4 गुना तेज है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये इनका व्यू पॉइंट है, और ये भी अपने आप में बहुत ही वैलिड पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। अब वास्तविक स्थिति क्या है, क्या इंडिया जो है वाकई में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इसको देखें। तो देखो रघुराम राजन ने कहा कि सिक्वेंशियल स्लो डाउन हो रहा है, लगातार स्लो डाउन हो रहा है। और अगर लास्ट क्वार्टर इसकी बात करें, जो जनवरी से मार्च तक का पीरियड है, इसमें RBI कह रहा है 4% की ग्रोथ रेट होगी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हम काफ़ी क्लोज आते जा रहे हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के, और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो बहुत कंसर्न वाला हो सकता है। अगर हम एक रियलिस्टिक असेसमेंट लें एनुअल ग्रोथ रेट को आप देखोगे, तो भी इस साल भी एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 7% होने का अनुमान है। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो कह रहे हैं आने वाले सालों में भी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है लगभग 6.6 से 6.5% तक रह सकती है।
तो दिस 6 to 6.5% या फिर 6, 5.5% है, ये भी काफ़ी आगे है जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की हम बात करें, 3.5% की अगर हम बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल के लिए तो हम नहीं कहेंगे कि हाँ तरह से हैं, लेकिन हाँ कुछ प्रेशर बने हुए हैं जिनको डेफिनेटली हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि तो इंडिया की इकोनॉमी कोरोना के पहले से ही थोड़ा सा कम ग्रोथ रेट ऑब्जर्व कर रही है, 4% हमने देखा था 2019 में था जस्ट कोरोना से पहले। तो ये थोड़ा सा हमें बना के देखना होगा कि क्या ग्रोथ को यहाँ पे चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस एनालिसिस एंड दिस टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सेशन का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस, बहुत सारे इनपुट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड। पाथ फाइंडर का क्रैश कोर्स चल रहा है, 5999 इसकी फीस है, 2023 वाले बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यूज़ द कोड आर बी लाइव टू गेट दीज ह्यूज डिस्काउंट्स। के अलावा अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, अभी होली पे आपके एक्सटेंशन ऑफर्स भी चल रहे हैं, इनका फायदा ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए, पुट द कोड आर बी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट। और आइकॉनिक के अंदर कुछ एडेड एडवांटेज हैं, उनके लिए भी जा सकते हो। 28 फरवरी को नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं फुल लेंथ कोर्स के, उनमें एनरोल कर सकते हो। यूपीएससी ईपीएफओ का सब्सक्रिप्शन अलग से भी मिल रहा है, ये भी ले सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं दिल्ली और ओल्ड राजेंद्र नगर में सेंटर हैं, बैचेस चल रहे हैं, वहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ग्रेट डे।